नूर समझे हम टोपा है भोस किया भगली भोसड़ी के कब कहा भोसड़ी के जारी कहा इका इसीलिए क्या इधर आ भोसड़ी के भाग रहे हो भागने से साले बच जाओगे डाल के साले हलक में लठिया इतना हिलाऊंगा साले तेरी गर्दन मरोड़ के रख दूंगा बरे साले कत्ल किया 9-2-11 हो रहे बरे इधर आ ए हवलदार चल सामने कत्ल किया साले 9-2-11 हो लिया भाई साहब कत्ल तो कब बताओ हम कब मुसरिया नहीं मार पान तो साले यहाँ क्या कर रहे थे साहब जाइत रहन साहब बाजार में जाइत रहन बाजार क्या करने जा रहे थे हमार साहब हमार पड़वा बयान पड़वा भाई साहब पड़वा बयान है तो दुल्हन कहैला बुद्धा मंगरे तना बैठ रहा तू और कुछ काम करना है बात भाई सुनियान है क्या बुद्धा कोई काम नहीं कर पाता है क्या बात रहा है बुद्धा के बुद्धा मगरे करे जैसे दुल्हन कहते वैसे का तुमको कहा लगे हंगन बात का कहन जाओ बाजार के हां भाई सुनियान है मिठाई ले और मिठाई जब खवाई दे तो गंदगी साफ हो जाए दूध दे ला के अब साहब जब दूध हमारे भैंस दे ला के आज भी बयान है हमारे घर आयो तुम झर खाए वरे क्या नाम है तेरा हमारा साहब सरवन है सरवन नाम जी साहब यहाँ क्या भोसड़ी के मैया चिदा नहीं आए थे अरे वो साहब हमारी बकरी गर्म थी ना इसलिए हम बकरा ढूंढने आए थे साले तुम ऐसे ही खानदान से पैदा हो तो यहाँ क्या करने आए थे हम साहब बकरा ढूंढने आए थे बकरा यहाँ भोसड़ी के ढूंढ साले मर्डर तो तुमने कत्ल नहीं किया है तो क्या करने थे कर रहे थे हम बोल बकरा क्या करोगे भाग जा ये बताओ क्यों रे इधर आओ तुमने खून करते हुए देखा जब तुमने देखा नहीं तो यहाँ के मैया चौधर भाग भाग भाग, 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 भाग देखा दोस्तों बीचों बीच चौराहे में मर्डर हो गया और किसी ने नहीं देखा अगर किसी ने देखा है तो अपने जुबान से बताए और इस केस के बारे में गवाही दे कहे कि हाँ मैंने देखा है इस मर्डर को होते हुए किसने देखा है किसी शख्स ने देखा है साहब बताओ साहब अरे यार हवलदार आओ वो अपना को चल नहीं पाते इतने बुजुर्ग हैं आ जाओ अगर किसी ने एक कत्ल करते हुए देखा है तो वो हमें बताए कि मैंने साहब देखा है वो आईसी लड़की ने देखा है आई माई वर्ड इतने लगते पड़ेंगे सही हो जाओगे साहब मैंने खून होते देखा है क्या नाम है तुम्हारा मेरा किरण नाम है और मैं यही बक्सी तालाब में रहती हूँ किरण नाम है तुम्हारा तुमने मर्डर होते हुए देखा है जी साहब पहचानो इस डेड बॉडी को पहचानो कौन है नहीं ये तो मेरी सहेली के पापा है भरतलाल क्या इन्हें तुम जानती हो जी इनका क्या नाम है भरतलाल भरतलाल ये वही भरतलाल तो नहीं जो मीडिया का काम किया करते थे जी साहब ये है वही भरतलाल हैं जी साहब ये तुम्हारे चाचा हैं जी साहब अच्छा किरण देवी बोलो साहब ऐसा है ऐसा गवाही दोगी पक्के से हम जरूर दूंगी
अदालत तक के जहां तक ले चलोगे मैं चिल्ला चिल्ला के दूंगी गवाही की सोनू गुंडा ने ही खून किया है। ठीक है किरण देवी, अगर तुम गवाही देने के लिए तैयार हो तो कल, आज मेरे पास कुछ अर्जेंट काम हो गया है, मैं जाऊंगा मोहनलालगंज की तरफ, कल तुम 10 बजे है मेरे हेडक्वार्टर पे आ जाओ। मेरा हेडक्वार्टर जानती हो, इंदिरा नगर सेक्टर 14 में पड़ता है, किसी से पूछ लेना वो आपको रिक्शा वाला छोड़ देगा। ठीक है सर, कल सुबह 10 बजे हेडक्वार्टर में पहुंचो, मैं तुम्हारा बयान नोट करूंगा, बयान नोट करके उसके बाद चार्जशीट बना करके अदालत को पहुंचाऊंगा। केस अदालत को पहुंचाने के बाद सोनू गुंडा को साले को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, जाओ, जा सकती हो किरण। अरे चौकीदार इधर आ, चौकीदार यहाँ आओ। ऐसा कर, इस डेड बॉडी को सील कर, सील करके चील हाउस में भेज पोस्टमार्टम के लिए। अब एक लाश तीन घर में कैसे जाए पाई, 20 घर में भोसड़ी के बोलो, ये नहीं समझते हो चील हाउस जहाँ पे चीड़ फाड़ होती है, समझ गए? ये बॉडी को, इस बॉडी को हमारी गाड़ी में डाल दो। साहब कह के गाड़ी में डाल दी? अबे साहब मैं कह रहा हूँ कि इस बॉडी को मेरी गाड़ी में डाल दो, साले बता रहा हूँ कि गाड़ी में डाल दो। हवलदार देखा, बीचो बीच चौराहे पे मर्डर हो गया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई गवाही दे, किसी सिर्फ एक लड़की, सिर्फ एक लड़की गवाही देने के लिए तैयार हुई है। अब मुझे करना क्या है जानते हो? उसका ही नाम किरण। हाँ, अब मुझे करना क्या है? क्या? मैं ये पैगाम मैं अपने दोस्त भानु प्रताप के वहाँ पहुँचाऊंगा, नहीं तो मेरे दोस्त सोनू गुंडा को फांसी के फंदे से कोई बचा नहीं सकता। एक पल की नहीं देरी लगाऊंगा और अपने दोस्त सेठ भानु प्रताप के वहाँ पैगाम। दोनों नौकर, तुम आ गए हो लेकिन सोनू गुंडा अभी तक नहीं आया। ठीक है, मेरे दोस्त सोनू, जिस काम के लिए तुमको भेजा था वो पूरा हुआ या नहीं? अरे यार मेरे दोस्त, जिस काम के लिए आपने भेजा था काम मैंने पूरा कर दिया, पूरा होने के साथ साथ लाख समझाने पे साला भरतलाल हमारी बातों को नहीं माना, मैंने उसका ऑफिसर पकड़ लिया, पकड़ के लाया साले को बक्सी तालाब चौराहे पे। आज हम उसे ऐसा मारा है कि जैसे होती है कुत्ते की मौत। क्या भरतलाल को तुमने मार दिया? हाँ मेरे दोस्त। चलो कोई बात नहीं, मैंने एसपी अजगर के पास फोन कर दिया था। ठीक, बहुत लंबे लंबे पैतले बदल रहे हो। क्या कहा, पैतले बदल रहे हो? जो आपने मर्डर करवाया था भरतलाल पत्रकार का। ठहरो, मर्डर होने से पहले 12 घंटा पे स्तर पहले मैंने आपके पास फोन किया था, लेकिन इस भरे चौराहे पे मर्डर हुआ है, मैं किस किस के मुख में ताले दूंगा, किस किस से कहूंगा कि किस किस को धमकाऊंगा कि गवाही नहीं दो? एक लड़की जिसका नाम है किरण, वो गवाही देने के लिए तैयार हो गई। क्या गवाही देने के लिए तैयार है? मेरे दोस्त सोनू गुंडा को कोई फांसी के फंदे से बचा नहीं। लेकिन वो लड़की कहाँ मिलेगी? वो लड़की
मेरे दोस्त मैंने एक शतरंज की चाल चला है। शतरंज की बाजी? हाँ, मैं शतरंज की बाजी फेंका और किरण